रिपोर्ट है। लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके में चीन ने एक बार फिर एलएसी का उल्लंघन करने की नाकाम कोशिश की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि चीन ने सहमति तोड़ी है, चीन ने उकसाने वाली सैन्य हरकत की है। सैन्य बातचीत जारी होने के बावजूद चीनी सेना ने 31 अगस्त को फिर उकसाने वाली कार्रवाई की। भारत ने यथास्थिति बदलने की चाइनीज कोशिशों को नाकाम कर दिया। सूत्रों के अनुसार 31 अगस्त को पेंगोंग के ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की तरफ चीनी सैनिकों ने बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मेगाफोन से उन्हें चेतावनी दी और उनसे कहा कि उनकी हरकतें देख ली गई हैं। इसके बाद चीनी सैनिक लौट गए। इससे पहले 29-30 अगस्त की रात को चीन ने अब तक खाली पड़े रहे इस भारतीय इलाके में बढ़ने की नाकाम कोशिश की थी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि इलाके में कैसी स्थिति बनी हुई है। भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से करीब 9.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। भारत ने किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की तैनाती भारत ने कर ली है। यहां पर चीनी कब्जे के इरादे को भांप कर भारत ने वहां स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और सिखलाई इन्फेंट्री को तैनात कर रखा है। 29-30 अगस्त को प्लान नाकाम होने के बावजूद चीन ने 31 अगस्त को अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश की थी। दक्षिणी पेंगोंग में बनी स्थिति पर चुशूल में आज ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। ये सैन्य वार्ता आगे भी जारी रह सकती है, लेकिन दक्षिणी पेंगोंग में तनाव बना हुआ है। उधर इन हालात पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा एनएसए अजीत डोवाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और डीजीएमओ शामिल थे। और चीन की घुसपैठ इस बीच फिर से नाकाम हुई है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से अंधेरे का फायदा उठाकर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन चीन के इस मंसूबे पर भी भारतीय सैनिकों ने, भारतीय वीरों ने पानी फेर दिया है। एलएसी पर तनाव जारी है और इसमें भारत ने चीन को उसकी विस्तारवादी आदतों का इलाज करने वाली मेड इन इंडिया वैक्सीन दी है। अब टैंक भी आमने सामने है, आगे कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता मंजीत नेगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मंजीत, एक बार फिर चीन ने कोशिश की थी ऐसी, एक बार फिर उसने ऐसी हिमाकत की कि वो भारतीय टेरिटरी में, भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर जाए, क्या हुआ है विस्तार से बताएं। देखिए श्वेता, जो 29-30 की घटना थी, उसके बाद इस बात की आशंका भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जताई जा रही थी कि चीन की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश हो सकती है, हिमाकत हो सकती है। और उसी का नतीजा था कि आज सुबह चुमार, जहां पहले भी दोनों के सेनाओं के बीच में इस तरह की घटनाएं हुई, आज करीब 7 से 8 गाड़ियों में बड़े जो हैवी व्हीकल हैं चाइनीज आर्मी के, वो चुमार की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने लारू एक्चुअल कंट्रोल के पास में जो इलाका है, बफर जोन है, वहां पर घुसने की कोशिश की। समय रहते क्योंकि भारतीय सेना की तैयारी थी, वहां पर जो जवान थे उन्होंने उनको पीछे धकेलने का काम किया। और हालांकि उसकी सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक जो वाहनों में मौजूद थे उन्होंने तुरंत अपने वाहन वापस मोड़ लिए। और इसी तरह से अगर हम दिप्सांग की बात करें, वहां पर भी कल देर रात से चीनी सेना ने अपनी जो हरकत है खासतौर से लैंडर कंट्रोल के पास और बढ़ाई है और कुछ इस तरह के इल्यूमिनेटिंग शॉट फायर किए हैं आसमान में। इस तरह की चीजें, एक तरह से उकसाने वाली चीजें वहां पर सामने आई हैं। तो ये दो घटनाएं दिखाती हैं कि चीन किस तरह से बौखलाया हुआ है 29 और 30 को जो दक्षिण। वाकई पिछली दो घटनाएं दिखाती हैं कि चीन किस तरीके से बौखलाया हुआ है, और साथ में ये भी बता